स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों से। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच पीएम मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आशी घोष के खिलाफ हुई दर्ज एफआईआर। ओवैसी कोल्टा लटकाने का बयान देने वाले बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, अब बताया जोकर जैसे। सियासत के केंद्र बने सीएम नीतीश कुमार, नाम पर विपक्ष दो फाड़। एक सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा करेगी कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच पीएम मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप, उनके परिवार और अमेरिका के लोगों को नए साल में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की कामना की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के अलावा 19 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि 4 जनवरी को सर्वर रूम में तोड़फोड़ की थी और सुरक्षा कर्मियों को भी पीटा था। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी को उल्टा लटकाने का बयान देने वाले बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, अब बताया जोकर जैसे। तेलंगाना के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप असदुद्दीन ओवैसी एक मस्करे की तरह दिखते हैं, इसीलिए आपको उल्टा लटका दिया जाएगा। जोकर सर्कस में ऐसा करते हैं। आप मुस्लिम वोटों के दलाल हैं। आप ब्रोकरेज के लिए कांग्रेस आपको अधिक भुगतान करती थी, अब टीआरएस अधिक भुगतान करती है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है एचबीएन न्यूज पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचबीएन न्यूज चैनल में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सियासत के केंद्र बने सीएम नीतीश कुमार, नाम पर विपक्ष दो फाड़। बिहार की सियासत के केंद्र बने जनता दल यूनाइटेड, सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब विपक्षी महागठबंधन दो फाड़ दिख रहा है। महागठबंधन का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए नीतीश कुमार को साथ लेने के पक्ष में है, तो दूसरा इसका विरोध में है। एक सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा करेगी कांग्रेस। दिल्ली में सत्ता के संग्राम की रणभेरी बचते ही कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। रणनीति को धार देते हुए पार्टी सप्ताह भर में अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की पहली सूची दोनों ही जारी कर देगी। घोषणा पत्र में जहां जनता के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे, वहीं उम्मीदवारों की पहली सूची में 25 से 30 नाम शामिल हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।